अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही मैं आपके साथ एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है जी स्टीम चिकन मोमोज। स्टीम मोमोज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और मज़े की बनने वाली है। इसकी एक बेसिक टिप ये है कि आपने मोमोज का साइज़ छोटा रखना है, जितना साइज़ छोटा होगा उतने ही मज़े के बनेंगे। ये है जी हमारी रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स। सबसे पहले जी मैंने लिया है मैदा। मैदा मैंने लिया 2 कप और इसको आपने अच्छे से छान लेना है। उसके बाद मैंने लिया सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून और वाटर। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने मैदे में ऐड करना है नमक, ऑयल ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखें इस तरह। एंड पे फिर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट गूंदेंगे और इसको कवर करके 1/2 आवर के लिए रख देंगे। और ये है जी सेकंड स्टेप के इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने लिया कैबेज। कैबेज का एक मैंने छोटा फूल लिया था, उसका भी मैंने 1/2 लिया है। चिकन मैंने 1/2 kg लिया था जिसको मैंने बॉयल करके अच्छे से श्रेड कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून। प्याज मैंने लिया एक छोटे साइज़ को इस तरह चॉप कर लिया है। जिंजर पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स मैंने लिया 2 पिंच फॉर टेस्ट। पैन में मैंने ऐड किया 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम गार्लिक पेस्ट को अच्छे से सौते कर लेंगे। अब साथ ही हम इसमें ऑनियन डालेंगे और इसका कलर चेंज होने से पहले पहले हम इसमें डाल देंगे कैबेज। कैबेज को भी हम 2 से 3 मिनट प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन, सोया सॉस ऐड करेंगे, जिंजर पाउडर और सारी स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईजी से हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये 1/2 घंटा हो चुका है, हमारी डो भी रेडी हो चुकी है। एक पेड़ा बनाएंगे और इसको अच्छे तरीके से इस तरह बेल लेंगे। आपने ना इसको ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा, इस तरह। कोई भी लिड ले लें और इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे और फिर इसको इस तरह बेल लेंगे। इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे और इस तरह इसको शेप दे देंगे। इस तरह से मैं सारे मोमोज तैयार कर लेती हूँ। सारे मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं। बारी है जिसको स्टीम करने की। कोई भी देचकी लेंगे, उसमें रखेंगे स्टीमर जाली और उसको ऑयल से कर लेंगे अच्छे तरीके से ग्रीस। अब इसके ऊपर रखेंगे मोमोज और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके स्टीम होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं और इसको डिश आउट भी कर लिया। और ये है जी हमारे मोमोज की फाइनल लुक। आई होप आपको मोमोज की यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड एंड मोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।